हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं सोफिया आमिर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं काउंट या एप्टीट्यूड फॉर जीके एसएसबी वीएलडब्ल्यू एग्जाम्स। और जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी हमने दो कंप्लीट टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पे कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें हमारा एक तो डेसिमल आता है एंड फ्रैक्शंस आता है। तो वो लेक्चर्स आप देख सकते हैं, ऊपर आपको आई बटन पर लिंक मिल रही होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं टॉपिक्स पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। और ये एमसीक्यूज मैं इसलिए कर रहा हूँ, एक तो आपको पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, एंड सेकेंड थिंग यू विल कम टू नो कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स। तो पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम आगे लेवल बढ़ा देंगे क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द डेसिमल नंबर 153.278 इज, तो इसको मैं ऐसे भी पढ़ सकते हैं 153.278। तो जब भी आपको प्लेस वैल्यू क्वेश्चन में पूछा होगा डेसिमल नंबर का, किसी भी डेसिमल नंबर का आपको प्लेस वैल्यू पूछा होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस नंबर को खोल के लिखिए ऐसे 100 प्लस 50 प्लस 3 प्लस 2/10 प्लस 7/100 प्लस 8/1000। ये मैंने आपको ऑलरेडी टॉपिक में भी पढ़ाया है कि किस तरह से हम इसको ऐसे खोल के लिख सकते हैं। तो असल में ये आपको प्लेस वैल्यू बताता है हर एक नंबर का, जो भी इस डेसिमल नंबर में है, हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल ये डेसिमल के बाद सारे नंबर्स मैं एक्सक्लूड करूँगा, मैं सिर्फ 153 का रख रहा हूँ, तो 100 तो 1 जो है इसका प्लेस वैल्यू यहाँ पे 100 है, क्योंकि 100 प्लेस पे है। 5 का 50 है और 3 का यहाँ पे सिंपल 3 वन्स प्लेस में है, तो 3। अब जो पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल के बाद नंबर्स आते हैं उनका इस तरह से हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो सिंपल है कि यहाँ पे हमें 7 का पूछ रहा था, तो 7 का यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू आएगा वो आएगा 7/100। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट, क्लियर। चार ऑप्शन से आपको चार में से एक सेलेक्ट करना है। अब दूसरा शॉर्ट तरीका भी बताता हूँ, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं उन्हीं का आपको प्लेस वैल्यू बताना होगा। तो उसके लिए आप क्या क्या करेंगे, आप इस नंबर को एक्सक्लूड करो, फिर यहाँ पे जो 0.278 था, 0.278 इसमें आप देखेंगे कि अगर मैं ऐसे 2 लिखूं, 2 को मैं क्या डिवाइड करूं ताकि पॉइंट यहां पे आ जाए, मैं इसको 2.0 भी लिख सकता हूं। सो पॉइंट एक शिफ्ट हो गया तो इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो इसी तरह 7 के अगेंस्ट दो शिफ्ट हुए हैं, तो 7/100 और 8 को 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपके डेसिमल नंबर्स यानी कि प्लेस वैल्यूज बन जाएंगे इन नंबर्स के। तो आप आराम से अब कोई भी क्वेश्चन इस पे कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 7/50 इज इक्वल टू, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको जो तरीका यहाँ पे दिखाने वाला हूँ सिंपल सा, वो डेसिमल जो हमने पढ़ा डेसिमल नंबर्स, इसी के रिलेटेड मैं आपको तरीका दिखाऊंगा किस तरह से इस ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है। तो 7/50 जो हमारा नंबर है, मैं इसको 7/5×10 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 5×10 इज 50। तो अब 7 को पहले 10 से डिवाइड करो, 0.7 आएगा जैसे यहाँ पे, क्लियर। अब 5 से इसको डिवाइड करना है, मैं इसको 0.70 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं, सो 5 0 5 1 5 2 20 5 4 20, सो 0.14 हमारा आंसर आएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है 0.14, सो ये इसका सही आंसर आएगा, क्लियर। तो ये और एक शॉर्ट तरीका है इसको करने का, मान लीजिए अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर होगा तब आप इसको इसी तरह से करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 1006 मीटर इन किलोमीटर्स कैन बी रिटन एज, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो पहली चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सिखा रहा हूँ मैं, जो 1 किलोमीटर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में तो हमारा 1000 मीटर्स आता है, यानी कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, ठीक है। ये कन्वर्शंस आप याद रखेंगे और आगे आगे जो भी क्वेश्चन में हमारे पास कन्वर्शन आएगा, जो भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वो मैं आपको साथ साथ सिखाऊंगा। तो 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स। अब लेकिन यहाँ पे आपको मीटर कन्वर्ट करना है, सो मैं आपको सिखाऊंगा कि इस अगर हम इस मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो किलोमीटर में, तो ये 1000 जो है वो डिवाइड में आएगा,
यानी कि हमारा 1 मीटर जो होता है वो 1/1000 किलोमीटर होता है। अब हमें कितने मीटर्स को कन्वर्ट करना है, 1006 मीटर्स को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, सो डिवाइड बाई इसको 1000 से कर दो। तो मैंने आपको सिखाया है कि ज़ीरो से क्या होता है, मैं इसको 0.00 लिख सकता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो पहले ज़ीरो की वजह से पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, अब इस ज़ीरो की वजह से पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर इस ज़ीरो की वजह से पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सो हमारा आंसर जो आएगा 1.006 किलोमीटर। सो देख लीजिए कौन सा आंसर है हमारा, बस ये ट्रिक आप याद रखेंगे इसको किस तरह से करते हैं। सो हमारा जो आंसर रहेगा वो हमारा डी पार्ट रहेगा, क्लियर। सो डी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3/100 प्लस दिस मच प्लस दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा। देखो आपको ये शॉर्ट तरीका मैं सिखाऊंगा कैसे करना है, या तो आप एलसीएम वाले ट्रिक से करो, या दूसरा तरीका ये है कि आप 3/100 को, देखो 3/100 को मैं लिख सकता हूँ, मैं इसको 3.00 लिखूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब पॉइंट को शिफ्ट करना है तो कितने शिफ्ट करना है, 2 शिफ्ट। तो जब 2 शिफ्ट करेंगे, एक तो ये वाला शिफ्ट, फिर इसके बाद यहाँ पे, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे फिर 0 आपको लगाना है। सो ये आएगा आपका 0.03। 7/100 क्या आएगा आपका, वो आपका आएगा 0.007। 8/10000 क्या आएगा, 0.0008। अब इसको ऐड करते जाओ, ये हमारा 8 आएगा, ये 7 आएगा, ये 3 आएगा, ये 0 आएगा, 0.0। तो 0.00378 हमारा आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन का। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पे किया जाता है, ये सिंपल सा मेथड है। सो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो थे डेसिमल्स पे क्वेश्चन, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रैक्शंस पे करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, 1/15 इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर यूनिट या मिक्सड फ्रैक्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। देख लीजिए फ्रैक्शन में यूजुअली इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1/15 है यहाँ पे, मैंने आपको पहले ही सिखाया है कि जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है, लेकिन अब न्यूमिनेटर में अगर 1 होगा तब ये यूनिट फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे यूनिट, यहाँ पे न्यूमिनेटर में 1 है, सो दिस विल बी ए यूनिट फ्रैक्शन, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 25/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो यहाँ पे छोटा है, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, यानी कि 25 ज़्यादा है, न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। अब अगर किसी क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर बड़ा होगा, यानी कि 5/25 होगा, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है कंपेयर टू न्यूमिनेटर, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड यूनिट फ्रैक्शन। अब मिक्सड किसको कहते हैं वो हम आगे क्वेश्चन में सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो आप, द मिक्सड फ्रैक्शन 12 × 9/13 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया मिक्सड फ्रैक्शन, इस तरह से हम मिक्सड फ्रैक्शन को लिखते हैं, ठीक है। जैसे 1 × 1/2, ये भी हमारा मिक्सड फ्रैक्शन में आता है। तो अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो देख लीजिए, जब भी आपके पास मिक्सड फ्रैक्शन होगा तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, प्लस इसको 9 करेंगे, डिनोमिनेटर में 13 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक डिनोमिनेटर में 13 है एक्सेप्ट दिस, तो ये इसका आंसर बनता ही नहीं है। अब इन्हीं ऑप्शन का आंसर है क्या है, 12 × 13 वो हो गया हमारा 156, ठीक है। प्लस इसको 9 करना है, डिनोमिनेटर में 13 रहेगा, तो ये हमारा 5, 6 and 1, तो 165/13 आ गया हमारा आंसर इसका। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, 165/13, ठीक है। तो इस तरह से मिक्सड फ्रैक्शन को किया जाता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देखिए, ज़रा ये बताइए 13 × 2/11 किसके बराबर आएगा, आंसर इसका मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, एडिंग दिस 1/5 + 1 × 2/5 + 3 × 7/10 वी गेट, तो क्या मिलेगा हमें अगर इसको हम ऐड करते हैं। सिंपल सा है, 1/5, देखो मैं जो तरीका दिखा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है आगे भी। यहाँ पे हमारा 1/5 है,
उसके बाद पहले इसको मिक्सड जो है ये हम ख़त्म करेंगे। सो 1 इंटू 5 इज़ 5 प्लस 2 दैट इज़ 7 डिवाइड बाई 5 प्लस यहाँ पे 3 इंटू 10 30 प्लस 7 हो गया 37/10, यानी कि डिनोमिनेटर में 10 ही रहेगा। अब देखो इसको शॉर्ट तरीका करने का क्या है, आप 10 यहाँ पे एलसीएम निकाल सकते हैं, या दूसरा तरीका इन 5 को आप 10 बना सकते हो। कैसे? देखो मैं 5 को 2 करूँगा मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 करना है ताकि कैंसिल आउट होके वापस यही रहेगा, यहाँ पे भी 5 इंटू 2 ही करूँगा तो यहाँ पे भी 2 आएगा, तो हमारा यहाँ पे ये भी डिनोमिनेटर 10 आएगा, ऊपर 2 1s are 2 प्लस यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 10 आएगा, ऊपर 7 2s are 14 प्लस यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 10 ही है, ऊपर अपना ही है इसको, क्योंकि इसको हमने मल्टीप्लाई किसी के साथ नहीं किया। अब यहाँ पे आप जो डिनोमिनेटर 10 है ये आप एलसीएम निकाल सकते हो, ऊपर जो भी न्यूमरेटर है उनको ऐड करते जाओ, ठीक है। तो ये आपका कितना बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू, ये आपका बनेगा 53/10, ठीक है। तो 53/10 यहाँ पे आपका आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 53/10 कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 53/5 ऑप्शन है आपका। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो 53/10 जो है इसको मिक्सर में कैसे लिखेंगे, मैं नीचे डिनोमिनेटर 10 ही रखूँगा, 10 को क्या मल्टीप्लाई करना है, वो 53 से कम आएगा 5 से, 10 इंटू 5 इज़ 50 प्लस इसको 3 करना है, सो 5 mixed 3/10 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आएगा, ए पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही है ना, ये मिक्सड में जब भी क्वेश्चन होगा तो इस जो मैंने आपको तरीका सिखाया ये सबसे इजी और सिंपलेस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब आगे वाले क्वेश्चन देख लीजिए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुट द करेक्ट साइन ऑफ लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू, आपको देखना है कौन सा इसमें बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। अब देख लीजिए पहला पार्ट यहाँ पे है 7/9 8/9, ध्यान से देखिएगा, मैं समझा रहा हूँ कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है, डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, अब आपको देखना है कौन सा बड़ा है, सिंपल जिसमें अब न्यूमरेटर बड़ा होगा वही तो बड़ा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर यानी कि डिवाइड हम सेम से कर दें, ये बड़ा है जब बड़े को डिवाइड करेंगे ठीक है वो ज़्यादा आएगा, छोटे को डिवाइड करेंगे तो कम ही आएगा ना, तो इसका मतलब है जैसे अगर सिंपली अगर वैसे भी देखोगे आप 7/9 is 0.7 ऑलमोस्ट और 8/9 होगा ऑलमोस्ट 0.8, तो 0.8 0.7 से बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला बड़ा है, तो ये साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट देख लीजिए, सिंपल डिनोमिनेटर सेम है ये बड़ा है तो साइन ए वाला आएगा, ठीक है। अब इनमें से देख लीजिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है लेकिन न्यूमरेटर यहाँ पे सेम है, क्लियर, डिनोमिनेटर डिफरेंट है लेकिन न्यूमरेटर सेम है। देखो मैं ऐसे समझाऊंगा आपको, मान लो मैंने 8 को डिवाइड करना है एक तो 2 से और मैं 8 को डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, दोनों में कौन बड़ा आएगा, ये वाला, क्यों, 2 4s are 8 यहाँ पे 4 2s are 8 तो ये छोटा आ गया ना, यानी ये जिसको हम छोटे से डिवाइड करते हैं वो बड़ा आता है, तो जिसको हम छोटे से डिवाइड करेंगे वो बड़ा आएगा, बड़े से डिवाइड करेंगे छोटा आएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ये वाला एग्जांपल याद रखिएगा, ठीक है। सिंपल केस यहाँ पे भी है, डी पार्ट में देखो न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर जहाँ पे सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वही बड़ा होगा, क्लियर। अब देख लीजिए ई पार्ट, ई में क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है लेकिन न्यूमरेटर सेम है, अभी मैंने कहा आपको, तो जिसमें छोटा आएगा वही बड़ा आएगा, तो 14 लेस है 20 से, तो यही वाला 9/14 बड़ा होगा। और एक एग्जांपल है जिसमें न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो न्यूमरेटर किस वाले न्यूमरेटर को हम छोटे से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये बड़ा होगा। आई होप ये अब आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है, किस तरह से हम फ्रैक्शन में चेक कर सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या करा है, असेंडिंग ऑर्डर देख लीजिए करेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 थे वो मैंने नहीं लिखे, ठीक है, वो हम यहाँ से आंसर देखेंगे क्या आता है इसका आंसर। देखो फ्रैक्शन बहुत सारी दी है यहाँ पे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना ही डिनोमिनेटर सेम है और ना ही यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे देख लीजिए, या तो हमें न्यूमरेटर को सेम बनाना है या तो डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, लेकिन यूजुअली हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं, तो
क्या करेंगे, देखो सिंपल, हम देखेंगे इनका एलसीएम क्या आता है, ठीक है ना, या तो एलसीएम चेक कर लो एक तो वो। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम देखेंगे, यहाँ पे जो एलसीएम आएगा दैट विल बी 60, ठीक है, चेक कर लो इसका 60 आएगा, क्योंकि 60 20 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी होगा और 5 से भी होगा। 30 क्यों नहीं आता, क्योंकि 20 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 60 होगा डिवाइड, तो 60 एलसीएम आएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है, इन सब को डिनोमिनेटर में 60 बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देख लीजिए, जो हमारा 3/5 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 12 60, तो ऊपर भी 12 करना है, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे सब में डिनोमिनेटर में 60 आएगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये सब 60s हैं, ठीक है, मैं शॉर्ट ट्रिक दिखा रहा हूँ आपको। अब ऊपर क्या बनेगा, देखो 3 × 12 वो हो गया हमारा 36, 7 × देखो 10 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 60 बनेगा 6, 7 6 42, फिर 15 को क्या करेंगे, 15 को हमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे करना पड़ेगा ताकि 60 बनेगा, तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आएगा हमारा 52। अब 9 को किसे करना है, 20 × 3 60, सो 9 2 9 3 27, तो नीचे सबको 60 60 है। देखो अभी ऐसा हो गया कि अब आप सिंपली इसको कह सकते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अब सबसे बड़ा जो होगा न्यूमरेटर वही बड़ा होगा, यानी कि 52। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर बनाना है, असेंडिंग में हम क्या करते हैं, हम पहले लिखते हैं छोटा, सबसे छोटा इनमें ये वाला है, उसके बाद हम ये लिखेंगे 36 वाला, उसके बाद 42 वाला, उसके बाद 52 वाला, क्लियर। तो पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर होगा, क्लियर। अब अगर डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिखना होगा तो डिसेंडिंग में क्या लिखते हैं, हम जो बड़ा होता है वो पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, वो चीज़ आपको पता ही होगी, बेसिक है। तो यहाँ पे ये इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे सेम अगर आ गया है तो आप आराम से कह सकते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्लियर, जो मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सिखाया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ जो डेसिमल के रिलेटेड है, देख लीजिए, व्हाट शुड बी एडेड टू 28.6 टू गेट 55, क्लियर, हमें इसको क्या ऐड करना है ताकि 55 आएगा। तो आप क्या करोगे, आप 55 में से माइनस कर दो 28.6 को, तो यहाँ पे 0.0 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना, दो को माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वही आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आंसर क्या निकलेगा यहाँ पे, देखो 0.4 किसके बाद है, ये वाला, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आगे करना ही नहीं है, बाकी आप खुद भी देख सकते हो। फिर यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 4 − 2 दैट इज 2, 26.4 आएगा इसका आंसर। सो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये आपको आ सकती है। बाकी जो भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं, जिस टाइप के भी क्वेश्चंस अभी अगर कोई रहता है या आप पूछेंगे हमें कमेंट सेक्शन में, तो हम कम्युनिटी सेक्शन में आपको प्रोवाइड करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस इसके रिलेटेड, फ्रैक्शंस के रिलेटेड भी। तो ये जो जो मैंने क्वेश्चन दिखाए, ये सारे क्वेश्चंस का जो है ये एक ओवरव्यू है, तो इस तरह के पैटर्न्स आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो बाकी जो भी क्वेश्चन है कम्युनिटी सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये पूरा लेक्चर सीरीज़ आपको पसंद आया होगा। अब इसके बाद हम दूसरा लेक्चर उठाएंगे जिसमें हम कोई और दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर दिन एक एक लेक्चर मिलेगा, क्योंकि थैंक्स टू ऑलमाइटी एंड थैंक यू एवरीवन, मेरी तरफ से आपको मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है अब, एंड हम अब काम बहुत ही ज़िम्मेदारी से करेंगे, आप तक हर एक अपडेट और जो भी आपको नीड है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, उस पर हम वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। तो ये चैनल बस स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए है और इसका कोई मकसद नहीं है दूसरा, ठीक है। तो आप हमें पूछिएगा कि किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, तो हम उसी तरीके से आपके सामने पेश किया करेंगे। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखिएगा। Thank you for watching this video.